दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा बूफर बनाएंगे घर पर, और इस बूफर को हम किसी एम्पलीफायर के थ्रू या फिर किसी डीवीडी प्लेयर के थ्रू या फिर किसी भी ऐसी चीज़ जिससे आप जो सॉन्ग सुनने का मजा लेते हैं उससे आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें पुरानी चाहिए होंगी जो घर पर हमें मिल जाती हैं लगभग, और कुछ चीज़ें हमें यहाँ परचेज़ करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये एक जाली है 8 इंची स्पीकर की जो आगे से स्पीकर के जाती है, आपको 10 या 20 रुपए में मार्केट से मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों एक टूटर है, इस टूटर को आप परचेस कर सकते हैं मार्केट से, तो ये आपके लिए यहाँ पर ट्रेवल का काम करेगा। तो इस स्पीकर का मैं यूज करूँगा यहाँ पर बूफर बनाने में। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक मैं यहाँ पर टी शर्ट का यूज कर रहा हूँ, जो पुरानी घर में एक टी शर्ट पड़ी थी ब्लैक कलर की, तो ऐसी एक ब्लैक कलर की टी शर्ट आप यहाँ पर इसको अच्छा सा लुक देने के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसमें मैंने 8 इंची का यहाँ पर एक घेरा काट लिया है, तो ये जो बॉक्स है अंदर से अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे में तो ये प्लाई का बना हुआ है। तो यहाँ से आप कोई भी एक प्लाई का बॉक्स छोटा सा बना सकते हैं और 8 इंची का घेरा उसमें काट लीजिए। काटने के बाद आप एक जो टी शर्ट है ब्लैक कलर की, ये कोई अगर टी शर्ट पड़ी हो या कोई कपड़ा पड़ा हो ब्लैक कलर का घर में, तो उससे आप इसे पूरा कवरअप कर लीजिए। कवरअप कर लेंगे तो उससे आपका जो ये बूफर का लुक है, ये बूफर की जो बॉडी का लुक है, ये बूफर की बॉडी का लुक बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और दिखने में अच्छा लगेगा, जैसे आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो टूटर हमने लिया था और ये स्पीकर था, इस स्पीकर और टूटर को यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। अब देखिए मैंने सोल्डरिंग आयरन से इसके कनेक्शन कर लिए यहाँ पर, और इस वायर को भी मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से ही टांके लगाएं और जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो बाद में चल के। तो देखिए इसके कनेक्शन हो चुके हैं और एक छेद किया था मैंने ताकि इसकी वायर को मैं यहाँ पर निकाल सकूँ पीछे से। तो यहाँ से मैं इसकी वायर को इस तरीके से, जैसा कि आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस वायर को मैंने निकाल लिया है, और टूटर तो हमारा बाहर रहेगा क्योंकि इसमें स्पेस कम है, तो टूटर को हमें बाहर ही रखना पड़ेगा। उसके लिए अलग से मैंने कोई भी घेरा नहीं काटा है इसमें टूटर के लिए, तो टूटर को हम लोग जाली पे फिट कर देंगे आराम से बेल्ट लगा के, और बेल्ट से फिट कर देंगे जाली पे। तो सबसे पहले तो हम इसको सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद इसमें जहाँ पर मैंने छेद किए थे उन छेद पर इसको फिट कर लेते हैं। ये फिट हो गया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इस जाली को भी फिट कर लेते हैं। तो इसको भी हम लोग सेट कर लेते हैं ताकि, और इस टूटर को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट के थ्रू कस देंगे। ये जो बेल्ट हैं, मैं 2 बेल्ट लेकर आया हूँ इसको कसने के लिए, ये मार्केट में आपको मिल जाएंगी ये बेल्ट, तो इस बेल्ट की हेल्प से हम लोग इसमें कर देंगे इसको फिट। तो सबसे पहले इसको फिट कर लेते हैं। ये जो वायर है, इस वायर के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है हमें यहाँ पर लगाने में, बट फिर भी फिट हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं करेगा, आराम से कर सकते हैं इसे फिट। अब देखिए दोस्तों इसका लुक देखिए, इसका अगर लुक देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन सा लगेगा। अब ये जो टूटर है, इस टूटर के पीछे मैंने डबल साइडेड टेप लगाया है, इस डबल साइडेड टेप को मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ एक। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इसे चिपकाना है इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर चिपक गया है, और इस चिपकने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसे बेल्ट से टाइट कर लीजिए ताकि ये बाद में निकले ना।
ये सेट हो चुका है और इसके बाद इसको काट लेते हैं। तो मैं यार मेरे पास काइया है तो मैं काइया से इसे हटा देता हूँ इसको इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों ये पूरा सेट हो चुका है और अब आप इसे यूज कर सकते हैं। पर आपका तैयार है और बहुत ही बेहतरीन आवाज़ ये निकालेगा जब आप इसे किसी एम्पलीफायर से चलाएंगे। तो यहाँ पर ये जो टूटर मैंने लगाया ये आपका ट्रेवल का काम करेगा और बेस का काम करेगा, यहाँ पर ये बूफर जो 8 इंच।